Hey everyone, welcome to my another vlog. मैं हूँ रीता सनवाल और आज है शारदीय नवरात्र का आठवां दिन जो कि बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। हम लोग हमारे दूर दराज के सारे मंदिरों में तो अक्सर जाया करते हैं, बट हम हमारे आसपास के जो बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस रखते हैं उनको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही मंदिर में लेकर जाने वाली हूँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उस ऐतिहासिक मंदिर में जहां पर रावण को मारने के लिए नीतियां बनाई जाती थी और ये मंदिर बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक महत्व का है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर और दिखाते हैं कि इस मंदिर में किस देवी की पूजा की जाती है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ये मंदिर है आशापुरा देवी का मंदिर, जहाँ पर ये बोला जाता है कि आप जो भी आशाएं रखते हैं, जो भी होप रखते हैं, वो आपकी पूरी होती है। कैसे मैं आपको बता देती हूँ, संधि विच्छेद करके। आशा यानी कि होप, यानी कि जो आपकी आशाएं होती हैं, और पूरा यानी कि उनको पूरा करना। तो ये देवी जो है, ये हमारी या हमारे इंडिया में इनका ये महत्व है कि ये हमारी सारी आशाओं को पूरा करती हैं और दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। बेसिकली ये मंदिर प्रसिद्ध है राजपूतों के लिए, क्योंकि यहाँ पर पुराने समय में सारे राजा बैठकर नीतियाँ बनाया करते थे कि किस तरीके से हम गुड ओवर इविल, यानी कि अच्छाई की जीत हो तो उसी को लेकर आगे बढ़ते। अंग्रेजी में मैं अटक जाती हूँ, अंग्रेजी में मैं अटकती नहीं हूँ, बट क्या हिंदी में अटक जाती हूँ, हिंदी में मैं अटक जाती हूँ, तो आप लोग माइंड मत करिएगा और आगे चलिए। माइथोलॉजिकली ये कहा जाता है कि यहाँ पर रावण को मारने के लिए नीतियाँ बनाई जाती थी, और साथ ही साथ इस मंदिर को हाड़ों की कुलदेवी भी माना जाता है, जहाँ पर राजपूत समाज के लोग आकर पूजा अर्चना किया करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, इसी मंदिर से शुरुआत होती है दशहरे के दिन पूजा और उसके बाद रावण दहन की। इसके जस्ट पास में ही है दशहरा ग्राउंड, जहाँ पर रावण को जलाया जाता है। देखिए, ये मंदिर में आपको वास्तुकला का एक बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है, साथ में अभी टेम्पल बहुत ज़्यादा सजा हुआ है। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? कन्हैयालाल। अच्छा, कितने टाइम से आप यहाँ पर? पूरी उम्र ही हो गई। अच्छा, पूरी उम्र हो गई है माता जी के मंदिर में। तो यहाँ की मतलब जो पुरानी जो कहानियाँ होती है, जो किंवदंतियाँ होती है, वो क्या प्रसिद्ध है माता जी के बारे में? आशापुरा माँ है, जगदम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। अच्छा, इसलिए आशा वाला मंदिर बोलते हैं। आशापुरा। अच्छा, आशापुरा, ओके ओके। सबकी आशा पूर्ण करती है, मन में होता है, दिल में उमंग होती है, कोई मेरी ये फला इच्छा है, हार्दिक इच्छा लेके आता है, माता रानी इसकी आशा पूर्ण करती है। ये तो इतना तो घर नहीं कर नहीं, जब आप शुरू में देखते तो कितना बड़ा मंदिर था ये? अरे शुरू से ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब पूरा पूरा बना हुआ था ये पूरा दरवाजा। हाँ, मंदिर से बाहर निकल चुके हैं। इसी के पास में दशहरा ग्राउंड है, जहाँ पर हर वर्ष रावण को जलाया जाता है, जो कि होगा दशहरे के दिन। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में दशहरे वाले दिन।